अब आइए ले चलते हैं आपको सीधा महाराज जी के इस बहुत ही अलौकिक और दिव्य प्रसंग पर। एक बार महाराज जी के साथ उनके कुछ भक्त एक महीने तक चित्रकूट में ठहरे हुए थे। एक दिन महाराज जी अपने भक्तों को एक साधु को दर्शन कराने के लिए ले गए, जो कि सिर्फ जड़ी बूटी खाकर जिंदा रहता था। भक्तों के मन में भी बहुत उत्सुकता थी कि ऐसा भला कैसे हो सकता है कि एक मनुष्य सिर्फ जड़ी बूटी खाकर रहता हो। जब सभी लोग महाराज जी के साथ में उन साधु की कुटिया में पहुँचे तो बाबा ने उस साधु से उस दुर्लभ जड़ी बूटी का एक टुकड़ा मांग लिया। तो साधु ने भी एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर महाराज जी की हथेली पर रख दिया। तभी महाराज जी कहते हैं कि इतने लोभी क्यों बनते हो, इतना लालच अच्छा नहीं है, और दो, हमें पता है कि तुम्हारे पास में और ज़्यादा है। साधु बाबा के मुख से ऐसी बातें सुनकर अचंभित रह गया, क्योंकि महाराज जी उसकी कुटिया में पहली बार पधारे थे और साधु सिर्फ उन्हें एक भला मानस समझकर जब बाबा ने जड़ी बूटी मांगी तो छोटा सा टुकड़ा तोड़कर उन्हें दे चुका था। परंतु जो ही महाराज जी ने छिपी हुई बातें बड़ी सहजता के साथ कह दी तब वह साधु थोड़ा घबरा गया और उसने एक टुकड़ा तोड़कर महाराज जी को दिया। बाबा ने हथेली पर से उस टुकड़े को उठाकर उसके भी बहुत छोटे छोटे टुकड़े किए और जो भक्त महाराज जी के साथ आए थे सभी को महाराज ने एक एक टुकड़ा प्रसाद स्वरूप बांट दिया। बस बाबा ने एक भक्त को नहीं दिया। प्रसाद पाने से वंचित उस भक्त ने महाराज जी से आग्रह किया कि बाबा मुझे भी दीजिए। तब महाराज ने कहा कि यह जड़ी बूटी तुम्हें नुकसान पहुँचाएगी, परंतु उस भक्त ने इस बात को अपनी अवहेलना समझा कि दूसरे सभी भक्तों को मिली है और मुझे नहीं दे रहे हैं, और इसलिए वह बाबा से जिद करने लगा। और वह जिद करता ही गया तब तक जब तक कि महाराज जी ने उस जड़ी बूटी का एक टुकड़ा उसे भी नहीं दे दिया। खैर बाबा दर्शन कराकर वापस लौट आए और उसी शाम महाराज जी के भक्तों ने कीर्तन की व्यवस्था रखी। प्रभु श्री राम का कीर्तन होने लगा, श्री राम, जय जय राम। और दोस्तों उस कीर्तन के दौरान श्री राम का ये भजन महाराज जी ही सबसे ऊँची आवाज़ में गा रहे थे। और जिस भक्त को महाराज जी वो जड़ी बूटी का टुकड़ा नहीं देना चाहते थे वह सख्त बीमार पड़ गया। कुछ ही समय बाद में वह कीर्तन स्थल से उठकर अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद में बाबा महाराज जी उसके कमरे में चले गए और उसे कीर्तन में भाग लेने के लिए बुलाकर वापस ले आए। परंतु उसकी तबीयत फिर से ख़राब होने लगी और वह दोबारा उठकर अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही बाबा जी भी पीछे पीछे उसके कमरे में पहुँच गए और उसे फिर से कीर्तन में भाग लेने के लिए वापस बुला लाए। वह प्रभु श्री राम जी का अलौकिक कीर्तन भोर तक चलता रहा और इस बीच राम नाम का प्रसाद पाकर कई भक्तों को नींद आने लगी और वे एक एक करके उठकर सोने के लिए चले गए। परंतु महाराज जी निरंतर कीर्तन करते रहे। बाबा उस भक्त को जो कि बीमार पड़ता जा रहा था उसे अपने पास बिठाए हुए थे, उसे भी आखिरकार महाराज जी ने कमरे में जाकर सोने की अनुमति दे दी। उस भक्त ने भी महाराज जी से आज्ञा मिलने पर चैन की सांस ली और जाकर कमरे में सो गया। परंतु भोर के प्रथम पहर में उसकी जब नींद खुली तो उसने महाराज जी को अपने बगल में बैठा पाया। महाराज जी मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि अब तो ठीक है, हमने तुम्हें जड़ी बूटी खाने के लिए मना किया था ना, याद है जब हम बीमार थे तो तू रात भर सोया नहीं था, पूरी रात जागकर तू हमारी सेवा करता रहा, और आज जब तू बीमार पड़ गया है तो हम सारी रात जागते हुए राम जी से तुम्हारे लिए प्रार्थना और भजन करते रहे। बाबा के मुख से दिव्य वचन सुनकर कि हम तुम्हारे लिए पूरी रात जागते रहे और कीर्तन और भजन करते रहे, वह भक्त बहुत ही भावुक हो गया और महाराज जी के चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। बाबा महाराज जी का दाहिना हाथ उसके सिर पर था और महाराज जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। यह था बाबा का अपने भक्त के प्रति प्रेम। वह भक्त चूँकि भक्ति मार्ग पर तो चल ही रहा था, परंतु उसके बीच में जो वो कुछ भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करता था महाराज जी की नज़र से कुछ नहीं छिपा। आपने यहाँ पर देखा कि महाराज जी जब बीमार हुए और भक्त रात पर नहीं सोया तो समय आने पर महाराज जी ने उसकी इस बात का भी प्रतिफल उसे दिया। बाबा महाराज जी पूरी रात जागे, हनुमान या तो राम के लिए जागते हैं या फिर अपने अति प्रिय भक्त के लिए जागते हैं। जिस भक्त में हनुमान जी को अपने राम जी दिख जाएं उसके लिए हनुमान जी पूरी रात तो क्या पूरे जीवनोपरांत जाग सकते हैं। अब आप यहाँ पर यह समझ गए होंगे कि महाराज जी आपके भक्ति मार्ग में आपके द्वारा करी गई कोई भी क्रिया को व्यर्थ नहीं जाने देते। आप जो कुछ भी महाराज जी के लिए महाराज जी के साथ में कर रहे होते हैं आपकी एक ही क्रिया आपके लिए अनुकूल फल लेकर ही आएगी। तो निरंतर महाराज जी की सेवा में लगे रहिए। इसके साथ ही आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने पर इसे लाइक जरूर कर दीजिए और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ऑन करेंगे तभी आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचेंगे। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और ऐसे शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीपकरोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सियाराम।